भगवान आप ही बताओ क्या करें, मुसीबत में है, उबार लो हमको। आपके अलावा हम गरीबन का आखिर है ही कौन? कोई रास्ता दिखाओ प्रभु, कोई रास्ता दिखाओ। मालकिन वहां गिर गया था, ये कहिए कि हमारी नजर पड़ गई, नहीं तो फिर मिलता भी नहीं। गिर गया था कि तूने हाथ साफ किया? नहीं मालकिन, सचमुच वहां गिर गया था, मैं कसम। ढोंग मत कर, मैं सब समझती हूँ। पकड़े जाने के डर से लौटाने चला आया। नहीं मालकिन। अब तक तो तू लोग भीख मांग के जी खा रहे थे, अब तो तू लोग चोरी भी करने लगा। ठाकुरायन, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। चुप कर, बात मत बना। पहली बार था इसलिए छोड़ दे रही हूँ, दूसरी बार किया ना तो तेरी खैर नहीं। हम आपसे साफ 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 कहते हैं, गौने में कुल 10,000 का खर्चा है। पैसे का व्यवस्था हो जाए तो हमें फोन मार दीजिएगा, तो हमें फोन मार दीजिए। एक हफ्ते के अंदर आप फोन नहीं आया, आप फोन नहीं समझेंगे, फोन नहीं आया। गणेशिया की दूसरी शादी आपको मंजूर, गणेशिया की दूसरी शादी आपको मंजूर। हम 10,000 रुपयों का इंतजाम किसी भी कीमत पर करेंगे, हमारी लल्या का गौना जरूर होगा।
क्या देख रही है हमको? और इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रही है? हमरे छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? कुछ हो नहीं, कुछ हो नहीं। बैल लेकर कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर का बैल है ना, चोरी की है आप? बोलिए ना बाबू। फालतू बात मत कर, ठाकुर साहब ने चारा खिलाने के लिए कहा, इसलिए ले जा रहे हैं हम। तू जा, हमें काम कर देते। मुसीबत इंसान पे आई भी ना करता है, जैसे अब तक सब लोग मिलकर झेले हैं वैसे ही झेल लेंगे। मेरा चोरी जैसा काम हम देख रहे हैं, जब से आप बस्तौरा से आए हैं परेशान रहते हैं। क्या बात है, ये सब कहीं आप हमने कौन के लिए तो नहीं कर रहे ना? हम सब समझ के, लेकिन ऐसा कौन का कौन फायदा बापू जिसके लिए आपको चोरी करना पड़े? हम जिंदगी भर आपके घर में रहेंगे, लेकिन आपको चोर बना के ससुराल नहीं जाएंगे। अब आपने लिए अपना पर इतना बड़ा कलंक मत लगाइए। ये बैलन को ठाकुर के यहाँ छोड़ आइए, आपको हमने सगन बाबू मत कीजिए, तो आप अपना मारा हुआ मुंह देखेंगे।